सो गाइस वेलकम बैक टू माय डब चैनल। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज 13th ऑफ अक्टूबर और अभी बज रहे सुबह के 7 AM, यानी कि अभी बहुत ज्यादा सुबह है। इतना दिन उठता भी नहीं हुआ, बहुत कैसे उठ गया पता नहीं। तो आज का सीन है गाइस कि हम लोग अपने टाउन, मतलब आप लोग अपने टाउन से वापस सिलीगुड़ी जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूजा वैकेशन था वो ओवर हो चुका है। तो वापस से सिलीगुड़ी जाना है। इसमें क्या स्पेशल है, हर बार अपन बस से आ जाते, इस बार क्या सीन है कि हम लोग जा रहे अपनी बाइक से, यानी कि अब जो है हमारी बाइक हमारे साथ उधर ही रहेगी और डेली लाइव ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। 1-to-1 डे गैप करके सोचा अपलोड करने का, लेकिन हाँ प्रोबेबली रहेगा कि रेगुलर आने का, हर दिन एक गैप करके एक वीडियो डालने का। तो फटाफट से आपको मिलते हैं बाइक पे, फटाक से जाना है, फ्यूलअप कराना है, उसके बाद निकलते हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो पे। तो गाइस फाइनली हम लोग सब कुछ करा चुके हैं, फ्यूल अप हो चुका, आप देख सकते हो बाइक चल चुकी है 431 किलोमीटर, और इधर देख सकते हो कि पूरा टैंक फुल है भाई। ये जो फीलिंग होती है ना, ये बेस्ट फीलिंग है भाई, फ्यूल टैंक हमेशा फुल रहना भाई, ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है हमारे बाइकर्स के लिए। तो टैंक फुल हो चुका है, बाइक चल चुकी है 431 किलोमीटर। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं अपने सिलीगुड़ी के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने सिलीगुड़ी रीच करने के लिए। और इसका जो टैंक है वो फुल हो गया हमको 1400 रुपीज़ पे। तो फटाफट से निकलते हैं इधर से, फिर मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे। और अभी गोप्रो को मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गोप्रो में लिटिल बिट चार्जेस है और वन पोल है आई थिंक, तो उसको बंद करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा हाईवे पे। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं हाईवेज पे, और भाई बिहार के हाईवेज आपको पता ही है कितने अच्छे, आप लोग खुद देख सकते हो। तो अभी हम लोग दलकोला पार कर चुके हैं। ये जो ब्लॉग मैं स्टार्ट किया है, अभी हाईवे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। देखो गाइस मेरा कैमरा था लिटरली बहुत कम चार्ज था, बहुत कम चार्ज, मतलब बोल सकते हो कि अप्रॉक्स वन पोल चार्ज था, 3/4 में बस ऑन वन पोल चार्ज था। सो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी USB चार्जर से कैमरे को अच्छे से चार्ज किया, अभी भी लिटरली फुल नहीं हुआ। सोचा आप लोग को थोड़ा बता देते हैं हम लोग कहाँ हैं अभी। अभी हम लोग दलकोला में, यहाँ से अप्रॉक्स मेरे को लगने वाला है 2-3 आवर्स, और बाई लिमिटर के वजह से हम लोग गाड़ी बाइक अपनी जो है वो 60 प्लस लेकर नहीं गए, अभी तक 60 पे ही है। आप देखो अभी 47 ही चला रहा हूँ मैं। सो इस स्पीड से रहेंगे तो 3 आवर्स लग जाएंगे हमें पहुँचने में। बाकी भाई वेदर तो बहुत सही हो चुका है यार, वेदर है बहुत सही, वेदर एकदम चिल्ड मौसम है, और बिहार में तो भाई ठंड आने का टाइम हो गया। अब ठंड कैसे आती भाई, देखो अगर आप लोग सोचते हो ना बिहार की ठंड, भाई बिहार में ठंड का मतलब क्या, दिवाली छठ आ गई, ठंड आ गई समझ लो, ठंड की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब दिवाली का मौसम, दिवाली का मौसम बोलता हूँ भाई, दिवाली का फेस्टिवल आ गया तो लो ठंड भी आ गई, यही सीन है हम लोग में। तो फटाफट से निकल रहे हैं हाईवे से, और सो दिस यही एक सीन है कि मैं पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ बाइक से, हाँ पहली बार नहीं है, हाँ भाई रोड सही है, क्योंकि वाला मेरे को याद है, हाँ रोड सही है अपना। तो देखो मैं पहली बार सिलीगुड़ी बाइक से नहीं आ रहा, मैं इससे पहले भी बाइक से आया हूँ, एक बार आया था साहिल का बाइक मॉडिफाई करने के लिए, उससे पहले थोड़ा बहुत एक दो बार आया हूँ उनकी फैमिली के साथ। और ऐसे तो बाकी टाइम बस से आया तो बस में घंटा नहीं रोड देखते, आराम से ईयरफोन लगा के सो जाते हैं कि हाँ भाई घर ही सिलीगुड़ी जाना है। और अभी देखो भाई क्या इधर देख रहा हूँ वो नीचे वाला रोड भी इधर ही आके मिल रहा है, ऊपर वाला रोड भी इधर ही आके मिल रहा है भाई साहब। तो चलो भाई थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मेरे को लग चुकी बहुत जोर की भूख, तो फटाफट से कोई ढाबा देखते हैं, उधर कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आपसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर बाइक पर आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं इधर आगे जाके आपसे। सो गाइज हम लोग अभी है हाईवे पे, लिटरली हम लोग हाईवे पे ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि गाइज देखो बहुत ज़्यादा थक गया मैं, थका नहीं हूँ यार, मतलब बहुत देर से चला रहा हूँ तो थोड़ा सा पेन होने लगा, तो सोचा रुक जाते हैं थोड़ा, आप लोगों को बताते कहाँ अभी है। तो अभी गाइज हम लोग किशनगंज से निकल चुके इस्लामपुर पहुँचने वाले हैं, इस्लामपुर पहुँचने वाले, और इधर हमारी बाइक लगी आप देख सकते हो, इधर हमारी डेविल है, इसका भी तो कोई नामकरण नहीं हुआ, आप लोग ने कोई नाम ही नहीं किया। और बाइक भाई चल चुकी है 521 किलोमीटर। तो गाइस 521 हो चुके हैं, फर्स्ट सर्विस लग चुका है, लेकिन फर्स्ट सर्विस का क्राइटेरिया कि 72,000 किलोमीटर तक करा सकते हो आप। तो वापस जाने टाइम हम लोग सर्विस कराएंगे, मतलब जब हम घर जाएंगे तब कराएंगे। और इधर भाई 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 ट्रक ही ट्रक, ओपन में ट्रक भाई साहब, मतलब ब्लॉक करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लोग का साउंड देना, मतलब सिर्फ ट्रक का ही साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, मेरा बहुत कम आपको सुनाई पड़ सकता है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रुके, रेस्ट किया, पीछे अपन ने चाय पिया था वो तो नहीं दिखा पाए आपको, आगे और एक बार रुकने वाले हैं, उसके बाद सीधा हम लोग रुकेंगे सिलीगुड़ी में, एक स्टॉपेज और है उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सिलीगुड़ी यहाँ सीधा। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर से हम लोग खड़े हैं, और लिटरली मौसम बहुत अच्छा ही है, आपको मौसम दिखाते हुआ देखो यार, मौसम देख रहे होगा क्या सही है, मतलब पूरा छाँव है और ठंड का टाइप का लग रहा है थोड़ा बहुत, और वैसे भी मैंने हाफ पहना है तो मुझे ठंड और बहुत लग रही है। और साइड आप देख सकते हो सिलीगुड़ी की बस जा रही है NBST करके इधर, तो थोड़े बहुत निकलते हैं इधर से, तो निकलते हैं इधर से, फिर मिलते हैं आपको सीधा बाइक के ऊपर में, क्योंकि हमारा गोप्रो भी डिस्चार्ज हो चुका है गाइस।
किस्मत तरफ से खराब हुई, घोपड़ों में डिस्चार्ज हो गया। और गाइज अभी देखो एक चीज, इतना आया हूँ लेकिन एक भी फ्यूल लीड कम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी खुशी है। अभी तो एक लीड भी कम नहीं हुआ है फ्यूल का, ये सबसे बड़ी खुशी। और बाइक भी पूरी साफ है, अभी तक गंदी नहीं हुई है। बाकी चलते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं क्या करना है आज। बाकी गाइस ब्लॉग में बने रहो, थोड़ा बहुत मजा आपको भी देना है ना, मजा के लिए तो ब्लॉग अपन बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत ब्लॉग में कंटिन्यू करो, बिना स्किप की वीडियो को देखो और थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। मिल रहे हैं आपको सीधा थोड़ी देर बाद कहीं पर रुकते ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको रोड का भी सिनेमैटिक दिखाते हैं। गाइस अभी इधर हम लोग रुके हैं थोड़ा बहुत नाश्ता करने के, तो इधर अपना आ चुका है ब्रेड और ऑमलेट, ठीक है। उस साइड अपनी बाइक है डेविल, तो उसका क्या हो गया, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, मतलब बहुत देर से राइड कर रहा है, कभी रुके थे थोड़ा देर के लिए, तो अभी थोड़ा उसको भी रेड देने, और अपने भी को भूख लग गया, तो अभी अपना ब्रेड ऑमलेट आ चुका है, और हमने एक चाय भी मंगाई है, वो भी जस्ट आ जाए, फिर खाते हैं इधर से, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलो खाते हैं, फिर आपसे थोड़ी बहुत और बातें करेंगे। गाइस इधर आ चुकी है अपनी चाय, मारुति पेपर कप ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता है भाई, चाय मैटर करती है, चाय बहुत मैटर करती है। तो इधर अभी अपना ब्रेकफास्ट हो गया, अब थोड़ा बहुत चाय पीते हैं इधर, फिर निकलते हैं बस यहाँ से। और अप्रॉक्स अपने को लगने वाला है 1 आवर सिलीगुड़ी अपने रूम तक जाने के लिए, 1 घंटे हम लोग घर पहुँच जाएंगे, मतलब अपने रूम पर घर से तो आ ही गए, फिर मिलते हैं आपको सीधा घर पर, या बीच में कहीं और बातें करते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं, और भाई साहब बाहर इतनी बारिश थी ना, मतलब कल भी भींगा था आज भी भींगा, मतलब कल का जितना मेरा ग्लव्स राइडिंग ग्लव्स था सब कुछ भींग चुका था, आज फिर एक सू फिर गया, मतलब मेरे पास पहनने को शूज नहीं बचे, 2 बार कल से भींग चुका। और फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं, आप पूरा वीडियो देखो एंजॉय करो, ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को, आप फटाफट से बताना कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा है। और गाइस एक स्कैम हो गया, और क्या बोलोगे पता नहीं, मैंने बाइक का टैंक फुल कराया था यहाँ आने के लिए, बट अभी तक वो फुल ही दिखा रहा है, मतलब अप्रॉक्स 187 किलोमीटर बाइक रन कर चुकी है, लेकिन अभी तक फुल ही है टैंक, पता नहीं क्या स्कैम है। अगर माइलेज की बात करते हैं, अगर उस हिसाब से जोड़ो तो 97 point something का माइलेज आता है निकल के, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो देखते हैं अभी कुछ देर बाद चलाएंगे, फिर तो हो सकता है फ्यूल अपने जगह पे आ जाए, उसके बाद देखते हैं कितना माइलेज मेरे को मिला। बाकी भाई रूम का कंडीशन देखोगे तो इतना दिन बाद रूम का कंडीशन ऐसा है, मतलब फुल बेकार रूम हो चुका है, तो कोई नहीं, रूम को भी ठीक किया जाएगा, फटाफट पड़े जा रहा है खाने के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहो और हमारे वीडियोस को एंजॉय करो, और फटाफट लाइक शेयर कमेंट आप लोग जानते हो। और गाइस बाइक का नेम मैं रख चुका हूँ, आपको बता दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में क्या नेम रखा है और क्यों रखा है, वो भी आपको बताएंगे, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अच्छे से रहना है।